हम पीएनएस मॉविन के एक ऐसे हिस्से में मौजूद हैं जहां पर बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है एक्टिविटी है, एंड दिस इज आल्सो द ब्रेन ऑफ द शिप. सो दिस इज द ब्रेन ऑफ द शिप, ऑल्दो वी वर थिंकिंग इट शुड बी कॉल्ड द हार्ट ऑफ द शिप, बट यू रियली नीड ब्रेन्स टू रन दिस थिंग. इट्स ह्यूज. एक तो हम आपको बता ही चुके हैं डायमेंशंस ऑफ द शिप, और इतना कुछ होता है इस पे दैट दिस इज द नर्व सेंटर. नर्व सेंटर इज ऑल्सो यहां से सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं, रीफ्यूलिंग, रेस्क्यू मिशंस, commanding different ships, what are their duties, everything is being done from this part, which is also known as the bridge of the ship. Lekin iski aur kya duties hain, ye hum janenge captain of the ship himself, commanding officer Himayun sahab hamare sath maujood hain, and it's his show basically. Yes. And we are here on his invite in Pakistan Navy certainly. Thank you sir. For having us here. Ab ye batayega aap ke hum yahan aa gaye hain, humne kuch hisse dekh liye hain, baki why is this part so important and what does it actually do? This is basically the hub of the all activities which are conducted on ship. ये उसका hub है, यहाँ से ये सारी की सारी activities control होती हैं. कोई भी event है, helo operation है, replenishment है, search and rescue है, from here as well as from the ops room. These are the two places from where these things will be conducted. तो इसलिए ब्रिज जो है, कोई भी किसी भी किस्म की इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले हम ब्रिज पे आते हैं और आके यहाँ पे अपनी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं. सर ये 24/7 अगर देखा जाए तो ये जगह जो है, ये ब्रिज जो है, ये एक्टिव रहता है डे और नाइट. डे एंड नाइट आउट एट सी 24/7 इट विल बी मैन बाई द कम्प्लीट टीम इंक्लूडिंग द ऑफिसर ऑफ द वॉच हु इज इन चार्ज ऑफ दिस शिप, हु हैज़ द चार्ज ऑफ द शिप. And he is conducting overall all the activities on board. This ship was built in 2018 with the help of the Turkiya company STM. Or this is latest state of the art design hai iska, double hull iska design hai, which is as per the international rules. Or it is one of the modern ship. And recently the other navies, they are also looking towards us to acquire this kind of a platform. This looks state of the art. And it looks new as well. Ye it does. आप जो कह रहे हैं ना 2018 की आप बात कर रहे हैं. So it actually gives the feel of a very brand new ship. So sir, what's our next activity now? हमने एक rescue mission भी देख लिया, हमने एक helicopter की refueling भी देख ली. What are we expecting next? Our day is full of surprises exactly. today. Exactly. You're leading. अभी हम अपनी main core जो हमारा task है, that is replenishment out at sea. We will be conducting one of the other navy ship that is with us. वो अभी हमारे साथ आएगा, उसके साथ हम replenishment करेंगे, उसको हम fuel transfer करेंगे, which is as per the requirement, which is main core task of this platform is. चलिए जी, let's witness this. और ये बात सुनने में ज़रा डरावनी लगती है कि this ship that we are in right now, it is carrying hundreds and thousands of liter of fuel. Is that so? बिल्कुल, इसकी कैपेसिटी तो इसकी 8400,000 इसकी कैपेसिटी है, एंड आई कैन एम्पली रिप्लेनिश ऑल द फ्लीट थ्रू द मंथ. लवली लवली जी, लेट्स विटनेस दिस रिप्लेनिशमेंट व्हिच इज कॉल्ड आरए. बात कर रहे थे नीचे कैप्टन हिमायों से, वो फाइनली शुरू हो चुकी है हमारे पस मंजर में. पीएनएस असलत व्हिच इज अ कॉम्बैट शिप मौजूद है. अच्छा, ये मैं पहले तो अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं कि हम जो सिविलियंस है ना, हम लोगों को इस किस्म की साइट्स आम देखने को नहीं मिलती हैं, एंड वी आर सो एक्साइटेड, खासतौर पे जियो पाकिस्तान के देखने वालों को, कि हम बड़ी स्पेशल ये विजुअल्स आपके लिए लाए हैं, स्पेशल एक्सपीरियंस आई वुड से अब्दुल्ला. तो ये रिफ्यूलिंग जो आप होते हुए देख रहे हैं, अभी हमारे कैमरा आपको दिखाएंगे, इट्स सच अ टेक्निकल थिंग कि इसकी एक एक मूवमेंट जो है वो मेजर्ड है. ना सिर्फ पेशेंट है, बट देयर आर मल्टीपल सिग्नल्स इन्वॉल्वड इन इट एज वेल. सबसे पहले एक स्लिंग शॉट फायर हुआ, उसके जरिए ये जो स्लिंग आप देख रहे हैं, ये पीएनएस असलत तक पहुंचाई गई, एंड थ्रू दैट द होल्स और द पाइप विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द अदर शिप, एंड देन इट वुड बी रिफ्यूल्ड. एंड ये महारत और एक्सपर्टीज का और ट्रेनिंग का शानदार मुजाहिरा इसलिए है कि ना सिर्फ यहाँ पे जो अमला मौजूद है पीएनएस मॉविन पे, वो अपने फराइज बड़े डिलिजेंटली परफॉर्म कर रहा है, बल्कि वहाँ जो टीम मौजूद है पीएनएस असलत पे, वो भी अपने फराइज बहुत ही तनदही से, बहुत ही फोकस्ड होकर सर अंजाम दे रहे हैं. एंड एवरीबडी सीम्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिग टीम विच इज़ फोकस्ड एंड सो वेल ट्रेन्ड. नॉट जस्ट अब्दुल्ला वेल ट्रेन, तो ऑब्वियसली एवरी पर्सनल ऑन दिस शिप जिनसे हमारी बात हुई है, दे डेफिनेटली आर वेल ट्रेन, दे आर डेडिकेटेड. ये काम जो
एक्टिविटीज़ जो हैं इनमें बहुत ही महारत, डेडिकेशन और हर दिन इसको प्रैक्टिस करना, इसका होना मेक्स देम परफेक्ट, क्योंकि ये लिटरली ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये रोज़ यही हो रहा होता है। और ये मामूल तो है ही, और आज ये मामूल ज़रा और टफ इसलिए है बिकॉज द सी इज़ वेरी रफ। सो हवा और समंदर बहुत आज अनइवन भी है, जैसे कहते हैं तलातुम किसी कैफियत है, एंड उसमें इतना सेफली सिक्योरली, बिकॉज दिस वी आर टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ लीटर ऑफ कंबस्टिबल फ्यूल राइट नाउ व्हिच इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन शिप टू अनदर शिप, लेकिन वी आर आल्सो इन एक्सपर्ट हैंड्स, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो डर और खौफ, जिसे कहते हैं हम एक्चुअली एंजॉय कर रहे हैं। एक्सेलेंस एंड एक्सपर्टीज का बेहतरीन मुजाहिरा हमने देखा। पी एन एस असलत की रिफ्यूलिंग का प्रोसेस मुकम्मल हुआ, वहाँ पे भी इंतहाई बासलाहियत और वेल ट्रेन्ड लोग मौजूद थे, हमारे जवान। वी सॉ सम एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये सुनने में बात कोई और चीज़ लगती है, लेकिन जब आप देखें तो इट हैज़ टू बी मिटेक्युलसली कोऑर्डिनेटेड, अदरवाइज ये काम हो ही नहीं सकता। इट हैज़ टू बी इन सिंक टू एन एक्सटेंट के एक सेकेंड के लिए भी चीज़ इधर से उधर नहीं हो सकती। सो वी थॉट कि वी शुड स्पीक टू समवन ऑन पी एन एस असलत एंड कमेंट द वर्क दैट दे हैव डन। 124-176 Oscar, a lot of appreciation from the Jio team, Huma, Meer and Abdullah, and they appreciated your wonderful conduct and the professionalism. Sir, Victor Mike Tango, the pleasure is all mine. It was a pleasure operating with one of the finest TV channels. Thank you very much, sir. Thank you very much. Bon voyage and happy sailing. This is PO from Ops Room, standby for time check at 1115 seconds to go. ये क्या कर रहे हैं आप लेफ्टिनेंट हसीब? समुंदर में डिप्लॉयमेंट से पहले और ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट ये ऑपरेशन चेक्स होते हैं जो डिप्लॉयमेंट से पहले लाजमी किए जाते हैं। Obviously, we are talking about peace times here and zamane amn ki kuch aur practices hoti hain, halat e jang ki kuch aur practices hoti hain, so when you know sense some danger ya phir aapko apne, kyunki this is the brain of the ship, pure ship ko caution deni hai ya taiyar rehna hai kehne ke liye, wo kya language ya kya signs use karte hain aap log? Normally jab ship deployed hota hai sea mein to hum peace time mein operate kar rahe hote hain, but whenever there is a requirement and there is a threat to the ship ya hame kisi action mein jana hota hai to hum action station sound karte hain jisme certain actions jo different crew of the ship hai uske already predefined hain uski hum rehearsal bhi karte hain aur uske liye ek alarm raise kiya jata hai, that is action station, aur phir pura jahaz battle station mein chala jata hai. So which means ke ye jab call sign diya jayega to everybody should mend their horses and get ready for the battle and get ready for the action, aisa hi hai ji? Ji bilkul aisa. Lovely ji, so ye zara pur khatar baat hai, so hum shuru karte hain, mera khayal hai, so I can see some danger. Hands to action stations, hands to action stations, hands to action stations. Policy general, assume first degree of anti-air readiness, assume CVR NDC state 1, condition Zulu. All hands on upper deck wear steel helmets and anti-flash hoods. Command is on bridge. All hands make closing up report to respective quarters. Action calling time 1120. All right, so वो अर्जेंसी इनकी आवाज़ में महसूस हो रही थी, इन्होंने ये तो मुझे समझ आया, जो एक्सपोज्ड हैं इस एरिया से बाहर उनको स्टील हेलमेट्स पहनने का कहा है। यहाँ पे आई कैन सी, एज यू कैन सी, दैट द क्रू मेंबर्स आर वेयरिंग सम काइंड ऑफ अ हुडी और अ मास्क एंड ग्लव्स, ये क्या हैं जी, ये क्या किस चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए हैं? ये एंटी फ्लैश हुड्स और ग्लव्स हैं, जो कि क्योंकि हम अभी एक्शन स्टेशन में हैं, जो एक्शन स्टेशन साउंड किया जाता है किसी आपको इमीडिएट ख़तरे से निपटने के लिए, तो ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, अगर इन केस कोई फायर हैज़र्ड हो या केमिकल अटैक हो जाए शिप के ऊपर, तो ये यूज़ करते हैं ताकि जो क्रू मेंबर हैं, द ओन शिप क्रू, इट इज़ सेफ़ फ्रॉम दैट डेंजर। हर क्रू मेंबर की प्रोटेक्शन के लिए और सेफ्टी के लिए ये ऑल शिप्स कंपनी, ऑल क्रू विल वेयर द सेम। दिस इज़ वॉट वी कॉल रेडीनेस, दिस इज़ वॉट वी कॉल प्रिपेयरनेस, दिस इज़ वॉट वी कॉल ट्रेनिंग, कि इनको पता है इनकी एक एक कॉल पे, एक एक साइन पे वॉट role each individual has to perform. Zabardast, very impressive.